जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती 67वां जन्मदिन मनाएंगी। हर बार की तरह इस बार भी पार्टी दफ्तर से लेकर बसपा कार्यकर्ताओं के घर तक उत्साह दिखेगा। लेकिन जन्मदिन से 4 दिन पहले बसपा की दिल्ली और सेंट्रल यूनिट ने मायावती के जन्मदिन के लिए जो गाना तैयार किया है वो बसपा कार्यकर्ताओं के जोश को कई गुना बढ़ा रहा है। इस गाने को मशहूर गायक कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। बड़ी बात तो ये है कि इस गाने में मायावती को कहीं नारी रत्न बताया गया है तो कहीं मसीहा। यही नहीं, मायावती को विश्व की महान नेताओं में से एक बताया गया है। इसके अलावा उन्हें आयरन लेडी का भी नाम दिया गया है। बसपा की केंद्रीय यूनिट की तरफ से कहा गया है कि 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर ये गाना हर जगह बजाया जाए। कैलाश खेर की आवाज में जो गाना सामने आया है उसमें मायावती को देवी भी बताया गया है और आयरन लेडी भी। साथ ही साथ संदेश ये भी है कि अगर मायावती ठान लें तो चांद सितारे जमीन पर तोड़ कर ला सकती हैं। शब्दों के जरिए मायावती के समर्थक भले ही कुछ भी कहें, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि सियासी तौर पर मायावती की पहचान लगातार कमजोर होती जा रही है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बसपा सिर्फ एक सीट तक सिमट कर रह गई। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि मायावती खुद के जीतने पर कम समाजवादी पार्टी को हराने पर ज्यादा जोर दे रही हैं। हालांकि गाने के जरिए अभी भी यही कहा जा रहा है कि मायावती गरीबों की सच्ची सहायक है। गानों के जरिए किसी की भी तारीफ हो सकती है। इतिहास के पन्नों में बहुत से लोग मजबूत दिखाई देंगे, लेकिन अभी तो सवाल मौजूदा सियासत का है और बसपा की मौजूदा स्थिति बीते कुछ चुनावों से पतली नजर आती है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव बसपा का वोट शेयर गिरता जा रहा है। 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तब बसपा को 36% वोट मिले थे। इसके बाद 2012 में मायावती की सरकार गिरी तब भी उसे 26% वोट मिले थे। इसके बाद 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा का वोट शेयर गिरकर 22% तक पहुंच गया और 2022 में बसपा को सिर्फ 13% वोट मिले। इससे पहले 1993 में भी बसपा को इससे कहीं ज्यादा वोट मिले थे। बसपा अपना प्रचार दलितों के हितैषी के रूप में करती है। यूपी में करीब 22% दलित वोटर हैं, लेकिन मायावती की पार्टी को सिर्फ 13% वोट मिलना ये बताता है कि दलित वोटरों का भी मायावती से मोह भंग होता जा रहा है। साफ जाहिर है कि बसपा के पास जाटो वोट बैंक का ही एक बड़ा वर्ग बचा है और बसपा इसके लिए फिक्रमंद है। तभी तो गाने के जरिए खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश हो रही है। अब सामने 2024 का आम चुनाव है और मायावती के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती। ये गाना 15 जनवरी को कई जगहों पर सुनाई देगा और ये भी तय है कि सियासत में इसकी खूब चर्चा होगी। हालांकि अभी सब खामोश हैं। हम देखते ही नहीं, देखिए चश्मा लगा रखा है। अभी भले कोई कुछ ना कहे, पर 15 जनवरी को जब मायावती लखनऊ में जन्मदिन के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो बहुत कुछ कहेंगी, जिसका संदेश दलित वोटर और 2024 के चुनाव तक दिखेगा।